साइंस ने हमें ये बताया है कि सूरज की वजह से धरती पर दिन और रात होता है, उसी तरह चांद की वजह से हाई टाइड और लो टाइड होती है। तो ये बात तो तय है कि सूरज और चांद का असर धरती पर होता है, लेकिन क्या सूरज, चांद और बाकी सारे प्लैनेट्स का असर इंसानों के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में भी होता है, या फिर क्या ये सिर्फ हमारे बिलीफ्स हैं? इस विषय पर चर्चा होगी आज की। पहले कहानी शुरू करते हैं, फिर बात करेंगे। भाई साहब, सूती कपड़ा चाहिए, 200-200 मीटर। अरे कमाल है, ग्राहक सामने खड़े और पूजा में लगे हैं आप, कैसे दुकान वाले? अब क्या हुआ भाई साहब? भाई साहब 10 मिनट से खड़ा हूं यहां और 10 बार उन भाई साहब को बुलाया है कि मुझे कपड़े चाहिए, पर उनकी पूजा खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। उनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूं। आप आइए ना, ऐसे नाराज होकर मत जाइए, आइए आइए बैठिए। आप चाय लेंगे या नहीं? चाय भाई कुछ नहीं, मुझे सूती कपड़ा चाहिए, सफेद, हरा और खाकी कलर का। लीजिए, चूज कर लीजिए, कपड़े की गारंटी हमारी है। हाँ, ये वाला, ये वाला और ये वाला। कितना एडवांस देना मुझे? ये कोई 25% दे दीजिए। ये लीजिए रिसिप्ट। भाई साहब एक बात पूछूं? पूछिए। ये पंडित जी कौन है, कैशियर है? ये मेरे पार्टनर है। भगवान बचाए आपको ऐसे पार्टनर से। पहले तो मुझे भगवान को इनसे बचाना है। आज मौन व्रत तोड़ने का मुहूर्त कितने बजे का है प्रभु? हरिओम। हरिओम। जब तुझे पता है तो क्यों पूछता है? खुद भी परेशान होता है और मुझे भी परेशान करता है। आज कौन सा वार है? सोमवार। राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे होता है, पता तो है तुझे? पापा। ये लो। थैंक यू पापा। वेलकम। हेलो। स्कूल लेकर जा रही? हाँ। ठीक है, दोपहर को मिलता हूँ घर पे। अच्छा, आज पता है ना डैडी आ रहे लंच पे, प्लीज लेट मत करना। पता है तुम्हारा स्कूल 8 बजे होता है ना? हाँ अंकल। तो अभी तक गए क्यों नहीं? पापा ने बोला। आपको पता है ना भाई साहब, आपके दोस्त बस सांस लेने के लिए मुहूर्त नहीं निकलवाते, बाकी तो सब ग्रहों की दशा और पंचांग के हिसाब से होता है। सब कुछ प्लैनेट्स और मंत्रों का कमाल है। तुम लोग इन बातों को निगलेक्ट करते हो क्योंकि तुम लोगों को इनका महत्व नहीं पता, लेकिन एक दिन इनकी शक्ति जरूर जान जाओगे। ये लो। थैंक यू। चलो ऋषि, जाओ जाओ, ठीक से पढ़ाई करना। बाय 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 बाय। इस बात पर बहस करने का कोई फायदा नहीं, चल छोड़ इस बात को, एक बहुत बड़ी खबर है, ध्यान से सुन। सरकारी स्कूल के स्टूडेंट्स का ड्रेस मटेरियल का टेंडर निकला है, कम से कम 20 लाख का मुनाफा है। टेंडर की लास्ट डेट 15 तारीख है और ये टेंडर हमें मिलेगा, हमें। ये दावा कैसे कर सकता? तेरे को चपरासी याद है, भंवरलाल, एजुकेशन डिपार्टमेंट वाला? हाँ। और वो हमें बताएगा कि टेंडर का लोएस्ट अमाउंट कितना है और हम उससे कम का टेंडर भर देंगे। लास्ट डेट क्या बताई? 15 तारीख, परसों।
काम करते हैं, पंडित जी से पूछ लेते हैं। हरिओम पंडित जी। हरिओम, बोलो समीर। पंडित जी, एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने की संभावना है, बहुत मुनाफा है। इस महीने की 15 तारीख यानी परसों तक टेंडर भरना है। बेटा, 15 को होने वाला कोई भी काम सफल नहीं होगा। लेकिन पंडित जी, 15 तारीख तो बेटा, 19 तारीख से पहले कोई भी दिन शुभ नहीं है। इन दिनों में अगर तुमने कोई भी फैसला लिया तो उसका विपरीत परिणाम होगा। बेटा आगे जैसे तुम दोनों की मर्जी। हरिओम। मुझे तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, इससे बेहतर ये होता मैं दुकान पर बैठकर टेंडर भरता। इन्होंने सब खराब कर दिया यार। खराब नहीं किया यार, खराब होने से बचा लिया। तू जानता है मैं सारे फैसले पंडित जी से पूछकर ही करता हूँ। तो अपने पर्सनल लाइफ में जितने मर्जी पंडितों को कंसल्ट कर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दुकान के मामले में मुझे तेरे एक रहता रहे नहीं चाहिए यार। यार पंडित जी की बात मानकर आज तक कोई नुकसान हुआ है? लेकिन आज हो जाएगा ना, 60 लाख का नुकसान। मेरा डिसीजन फाइनल है। अगर तू मेरे साथ है तो हम दुकान के नाम पर टेंडर भरेंगे, अगर साथ नहीं है तो मैं पर्सनल टेंडर भरूंगा। मैं ये मौका नहीं छोड़ सकता। अब क्या करना चाहिए समीर को? दोस्त की बात माननी चाहिए या फिर पंडित जी में अपना विश्वास कायम रखना चाहिए? इनको माइक दे दीजिए कोई। हेलो, हाय, आपका नाम? मैं वैशाली, नासिक से। हाँ। समीर को टेंडर नहीं भरना चाहिए। नहीं भरना चाहिए, क्यों? क्योंकि वो अपने डे टू डे लाइफ में फॉलो करता आया है एस्ट्रोलॉजी को, वो बिलीव करता है इतना, तो उसको है कि वो लॉस हो जाएगा, तो उसको अपने पार्टनर को लॉस से बचाना ही चाहिए ना, खुद को भी बचाना है। 60 लाख का मामला है, 60 लाख का, और पंडित जी बोल रहे हैं मत साइन करो। नहीं तो नहीं करेगा वो, नहीं उसको नहीं करना चाहिए। 60 लाख मैं तो नहीं टुकरा पाऊंगा यार। आप टुकरा पाएंगी? नहीं ना, मैं करूंगी। अरे बाप रे, इनकी बात से कौन कौन सहमत नहीं है? यस, इनको दे दीजिए। डेफिनेटली उनको टेंडर भरना चाहिए, बिकॉज इससे उनको एक्सपीरियंस और अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, प्लस उन्हें अपने टैलेंट पे, अपने स्किल पे बिलीव करना चाहिए, ना कि दूसरों की बातों पे। ओके, इनको दीजिए। ये बोल रहे हैं कि गलत होने के बहुत चांसेस है, प्लीज समझाइए। आपका नाम सर? अरविंद चतुर्वेदी, मैहर मध्य प्रदेश से हूँ मैं। हाँ बोलिए। उसके गलत होने वाली जो बात है भाई, 600 मीटर कपड़ा, मतलब 1000 या 5000 या लाख जो कपड़ा घर में तो बनाता नहीं, जमीन से तो पैदा नहीं होता, खेती करता नहीं कपड़े की, हो ना हो जिसको वो पैसा देने वाला है, कपड़ा जिसको ऑर्डर देने वाला है, वो ही ना रह जाए, वो ही भाग जाए, तो उसके साथ इस तरह का भी गलत होने की परिस्थिति बन सकती है। ग्रहाराज्यम प्रेक्षन्ति ग्रहाराज्यम हरन्ति च ग्रहे व्याप्त मिदं चैव त्रैलोक्यम सचराचरम। बहुत डर लग रहा है मेरे को सच में। ग्रह जो है व्यक्ति को राज्य देता भी है और राज्य लेता भी है। बड़े बड़े बाबा अभी उदाहरण है, कितना बड़ा उन्होंने अपना साम्राज्य बना करके रखा था, और उस साम्राज्य को जो है एक दो दिन चार दिन के अंदर समाप्त हो गया। मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूँ। जैसे इन्होंने उदाहरण दिया बाबाओं का, सो ये ग्रहों का प्रकोप नहीं था, ये सिर्फ इंसान के कर्म होते हैं। उन्होंने क्या किया उसकी वजह से वो यहाँ पे थे, उन्होंने इसके बाद जो किया उसकी वजह से वो यहाँ पे आए। ग्रहों की वजह से ही उन्होंने किया? नहीं, ग्रह जो, पंडित जी अगर आपको ये लगता है कि अगर मुझे ये बोल दिया गया कि मैं 2 दिन बाद मरने वाली हूँ तो मैं यहाँ से बाहर नहीं निकलूं क्योंकि मेरे ग्रहों में लिखा है, और मैं इस वजह से कुछ करना बंद कर दूं, ये सही नहीं है। कर्म तो हर व्यक्ति के हैं, और आज यहाँ जितना भी 100 सवा 100 लोग बैठे हैं, कोई जो है ये नहीं कह सकता हाथ में गंगा जल लेकर के कि सबने शुद्ध कर्म ही किए हैं। बट
बहुत अच्छी बात है। कर्म देख सकते हैं, ग्रह देख नहीं सकते हम। कर्म करना हमारे हाथ में है, ग्रह हमारे हाथ में नहीं है भैया। अरे एक एक करके भाई, आपने अभी अभी कहा जो कुछ भी होता है ग्रह की वजह से ही होता है। बिल्कुल, तो आदमी जो मेहनत करता है उसकी वजह से भी होता है। यदि मेहनत करने में ही सब कुछ मिलता होता तो जो रोड खोदने वाला वो क्या कम मेहनत करता है? हम अच्छा करेंगे तो लोग हमारे लिए अच्छा करेंगे, ये हमारे माँ बाप हमें सिखाते हैं। आप अच्छा तभी करोगे जब आपके अच्छे ग्रह होंगे। अच्छा अगर आप कह रहे हो ग्रह सही नहीं है तो कर्म करता रहूं या करना ही छोड़ दूं, ये बता दो। क्या ये बात सच नहीं है कि होनी को कोई नहीं टाल सकता? बिल्कुल सच है। तो फिर आप अगर बोले नहीं इस तारीख में मत करो, उस तारीख में करो, फिर तो जो होना है वो तो होना ही है ना। आया है वो मार्गदर्शन लेने आया है, हम मार्गदर्शक हैं, उसको मार्ग बतला सकते हैं कि इसमें ये होगा इसमें ये होगा। सर आप गारंटी दे सकते हैं कि जो आपके पास कोई मार्गदर्शन के लिए आए उसका जो अच्छा होना है वो हो जाएगा? नहीं नहीं, हाँ हाँ मैं बोलता हूँ ना, मैं गारंटी से लिख के देता हूँ, जो आपके बदल प्रोडक्शन करूंगा वो ही सही निकलेगा। वो आपके भाग्य से अगर सही हो तो सही, गलत हो तो गलत। नहीं निकला तो आप जो बोलेंगे वो हारेंगे। जिंदगी में कभी धोती नहीं पहनेंगे। एक मिनट एक मिनट, एस्ट्रोलॉजी करना छोड़ देंगे सर। एक मिनट एक मिनट, एस्ट्रोलॉजी करना छोड़ देंगे सर। मेरी बात सुन तो लीजिए सर, जो भी लिखा है हम सबकी कुंडलियों में वो पहले से पता करके क्या फायदा होने वाला है किसी को? मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पर अगर आप जाते हो और कहीं पर लिखा है कि डाइवर्शन, प्लीज यूज डाइवर्शन। हाँ, आप डाइवर्शन यूज नहीं करते? जब लिखा रहता है तो करता हूँ। एग्जैक्टली वही काम करते हैं ग्रह, कुंडली और एस्ट्रोलॉजर अच्छे। मैं आप सबसे शेयर करना चाहूंगा, मैं विश्वास नहीं करता ना कभी किसी के पास जाता हूं। मेरी बीवी जो है सर, सॉरी टू इंटरप्ट, आप भी सुन नहीं रहे, आप भी 15 मिनट सुनिए। हाँ, अभी आपकी कुंडली मैंने खोली है। मेरी बीवी जो है जब से पैदा हुई थी अपनी कुंडली लेके फिरती पड़ती है, ओके? लेकिन उसकी जिंदगी में और मेरी जिंदगी में कोई फर्क नहीं है, वो भी अच्छी जिंदगी जी रही है, मैं भी अच्छी, तो क्या फर्क पड़ता है ये सब जानने से? डेफिनेटली सर, सबसे पहले तो मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, इवन सबको, हमारे दर्शकों को भी। हाँ। जिन लोगों का आत्मबल और मनोबल दोनों ही स्ट्रांग होंगे वो जिंदगी में न कभी डॉक्टर के पास जाएंगे और न कभी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे। एक मिनट, इसके पहले कि आगे बढ़े मैं एक बार फिर से याद दिलाना चाहता हूँ हमारा मुद्दा क्या है। समीर को पंडित जी की बात ही माननी चाहिए या अपने पार्टनर और दोस्त की बात माननी चाहिए? सर, आपसे बात हो गई है, आप? हाँ, मेरे हिसाब से समीर को बिल्कुल भरना चाहिए, बिकॉज बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ऐसे लाइफ में बार बार अपॉर्चुनिटी नॉक नहीं करती है। आप अगर सोचेंगे कि पंडित जी ने ये बोला हुआ है, ये बोला हुआ है, आप हर चीज़ अगर मानेंगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, यू विल नेवर सक्सीड इन लाइफ। ये मैंने पर्सनली देखा हुआ है। मैंने 10th 12th में पढ़ाई के साथ मैंने एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास किया हुआ है। एंड तब बोला जाता था, ऐसा लिखा जाता था, आज का दिन अच्छा नहीं है, ये इस दिन अच्छा नहीं है। जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन लिखा हुआ था आपका बहुत खराब होने वाला है। एंड आई हैव सिक्योर्ड 90% इन द 10th एग्जाम। सो इट्स बेसिकली अ सेल्फ बिलीफ। ओके, मैं ऐसे नहीं कहती कि एस्ट्रोलॉजी पे हम बिलीव नहीं करते या साइंस पे नहीं करते। है एस्ट्रोलॉजी, है साइंस, है, लेकिन हम अंधविश्वास नहीं कर सकते। इनके पास जाते हैं, ये बुजुर्ग आदमी है, इनके पास है। हेलो अंकल जी, मेरा नाम रविशंकर गौर है। कितने क्यूट हैं आप। 82 ईयर्स, लेकिन आप इतने छोटे से। आप अपनी राय बताइए। दोनों जो पार्टनर थे ना, हाँ, उनको गुरुजी ने बताया वो ठीक है, लेकिन गुरुजी ने इनका दोनों का वो जो महादशा चलता है, अंतरदशा है, वो नहीं पूछा। अभी हमारे बुजुर्ग पंडित जी ने कहा कि उन्होंने कुंडली नहीं देखा है, तो उन्होंने कुंडली देख के ही बताया कि आपका शनि और शुक्र ठीक नहीं है, तो आपको कदम नहीं बढ़ाना चाहिए। हम एस्ट्रोलॉजर होकर ये बोलते हैं
डेफिनेटली उनको टेंडर भरना चाहिए। भरना चाहिए। ऐसा कोई काल नहीं होता, ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन में पर्टिकुलर समय अच्छा ना हो। ये खुद एस्ट्रोलॉजर होके फिर भी हमारी कहानी में बोल रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजर की बात नहीं मानो। थैंक यू। बिजनेस में इंसान के साथ कनेक्शन काम आता है या फिर ग्रह नक्षत्रों के साथ या फिर दोनों के साथ? आइए देखते हैं आगे क्या होता है, फिर बहुत सारी बातें करेंगे। तो बता, तूने क्या सोचा है? यार तू तो जानता है मैं पंडित जी के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकता। और भाई मिठाई कहाँ है? अखबार में पढ़ा मैंने। टेंडर को रद्द कर दिया। किसी कर्मचारी ने कुछ व्यापारियों को टेंडर के बारे में जानकारी पहले से ही दे दी थी। भंवरलाल को सस्पेंड कर दिया और साथ ही जिन बिडर्स पर शक है उन्हें ब्लैकलिस्ट में डाल दिया गया है। अगले टेंडर की तारीख 19 के बाद। तेरे को पता है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि समय ठीक नहीं था राघव। हम फिर से टेंडर भरेंगे और इस बार 19 के बाद। माने या ना माने एस्ट्रोलॉजी साइंस है और वो गलत नहीं हो सकती। इसमें तेरे ग्रहों का कोई हाथ नहीं है। मुझे लालच हो गया था और इसलिए मैं गलत राह पे चल पड़ा। तो तुझे लगता है ये लालच की वजह से हुआ है? तो फिर सोचने वाली बात ये है कि लालच ने उसी वक्त सर क्यों उठाया? ग्रहों के कारण। ग्रह दिमाग उल्टा फिरा देते हैं। अब देख, तेरी ग्रह दशा ठीक है तो तुझे 50% फायदा हो रहा है। हाँ रेखा। हेलो समीर। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? ऋषि। क्या हुआ ऋषि को? ऋषि के स्कूल से फोन आया था, वो फुटबॉल खेलते हुए चक्कर खाकर गिर गया। उसे हॉस्पिटल लेकर आई हूँ, प्लीज जल्दी आ जाओ। तुम चिंता मत करो, मैं अभी आ रहा हूँ। क्या हुआ? यार पता नहीं, ऋषि एडमिट हो गया हॉस्पिटल में। चल 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 चल। डॉक्टर साहब, ऋषि को क्या हुआ? प्लीज होल्ड ऑन, हमने कुछ टेस्ट किए, आप लोग वेट कीजिए। बट उसे हुआ क्या है? देखिए, रिपोर्ट्स आने से पहले मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। एक्चुअली उनके ब्लड प्लेटलेट्स काउंट बहुत लो हो गया है जिसकी वजह से उन्हें चक्कर आ गया। आपको कुछ तो अंदाजा होगा। रिपोर्ट्स कल तक ही आएंगे। मैंने मेडिकेशन शुरू कर दिया है एंड वो ऑब्जर्वेशन में है। प्लीज गिव मी सम टाइम। थैंक यू। अभी आप चिंता मत कीजिए, ऋषि को कुछ नहीं होगा। पंडित जी, अचानक क्या हो गया? कुंडली के हिसाब से ग्रह दशा ठीक नहीं। मैं कुछ समझा नहीं। बेटा समीर, साफ साफ कहूं तो मृत्यु योग बन रहा है। हेलो समीर, कहां हो तुम? जल्दी हॉस्पिटल आ जाओ। अरे पर हुआ क्या है? मैं
मेडिकल रिपोर्ट आ गई, डॉक्टर कह रहे मुझे यूकेमिया है, ब्लड कैंसर, जल्दी आ जाओ प्लीज। समीर क्या बात है, क्या हुआ बेटा? बेटी जो आपने कहा वो सच हो रहा है, ऋषि को ब्लड कैंसर। समीर सुनो, चिंता मत करो, हर चीज का एक उपाय होता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहां से 300 किलोमीटर दूर एक शीतला देवी का मंदिर है, तुम्हें उस मंदिर में 42 दिन तक रहना होगा। पहले 15 दिनों तक तुम किसी से भी बात नहीं करोगे। मैं तुम्हें एक मंत्र दूंगा जिसे तुम रोज 10,000 बार जपोगे, ये सब करने के बाद सब ठीक हो जाएगा। और चाहे कुछ भी हो जाए, इसे बीच में मत छोड़ना। मैं करूंगा पंडित जी। हरिओम। हरिओम। क्रेडिट और डेबिट कार्ड है और कुछ साइन चेक्स हैं, ब्लैंक चेक्स। कुछ पैसे घर में भी पड़े हैं, बाकी तू संभाल लेना, पैसों की परवाह मत करना। ऋषि ठीक हो जाए इसके लिए मैं कुछ करने जा रहा और क्यों जा रहा है? हाँ, कहीं तेरे पंडित जी ने तुझे को नया उपाय तो नहीं बताया ना? देख समीर, इस वक्त ऋषि को तेरी जरूरत है, मत जा। सर आपको डॉक्टर ने बुलाया है। मैं एक मिनट में आता हूं, तू जाइयो मत। हाँ
अभी कहाँ है तू? तुझे 15 दिन से ढूंढ रहा हूँ मैं। तेरे उस पंडित जी के पास गया था मैं, वो सिर्फ हरिओम हरिओम के सिवा कुछ कहते ही नहीं है। ऋषि कैसा है? गधे, पूछ रहा ऋषि कैसा है? अभी भी उसका प्लेटलेट काउंट कम है, अर्जेंटली ऑपरेशन करना पड़ेगा, बोन मैरो चाहिए उसे। तू उसका बाप है, तेरा ही बोन मैरो चलेगा। अच्छा हो तूने आज फोन किया, अब एक मिनट वेस्ट मत कर, जल्दी से आजा। अगर तू नहीं आएगा तो उसका ऑपरेशन नहीं होगा। लेकिन व्रत छोड़कर कैसे? तू पागल तो नहीं हो गया? मुझे मालूम था तू किसी व्रत के चक्कर में फंसा होगा। तेरा यह व्रत और ग्रह उसे बचा नहीं सकते, उसे सिर्फ बोन मैरो बचा सकता है। उससे बचाना तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देख अभी भी वक्त है, जल्दी से आ जा। जिंदगी कभी कभी ऐसे दोहराए पर खड़ी होती है जिसमें एक फैसले की कीमत बहुत बड़ी होती है। आप लोगों के मुताबिक समीर को क्या करना चाहिए? कोई नॉन एस्ट्रोलॉजी आदमी या औरत से बात करना चाहूंगा। सर मेरा नाम अर्चना शुक्ला है, मैं उत्तर प्रदेश कानपुर से हूँ। बोलिए। सर मेरे हस्बैंड दुबई में पोस्टेड थे, अचानक से मेरे पास कॉल आया कि इनकी बहुत सीरियस कंडीशन है, ये हॉस्पिटल में एडमिट है। हम लोग के रिलेटिव में बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, सब लोग उनकी बहुत बात मानते हैं और उनकी कई बातें सही भी होती हैं। डॉक्टर ने बोला 99% ब्लॉकेड है, केवल बाल के बराबर एक है जहाँ से ब्लड ब्रेन में पहुँच रहा है। ही डोंट वॉन्ट टू टेक एनी रिस्क। अब घर में लोगों की राय बनी, भाई जो बताया गया एस्ट्रोलॉजर ने कि भाई 12 बजे से पहले ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। अब मम्मी मेरे पीछे पड़ी कि जाओ मतलब तुम कांटेक्ट करो और उनको बोलो, लेकिन हमने कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं मालूम था डॉक्टर को अपना कर्मा करने दो। डॉक्टर ने 7 बजे डॉट ऑपरेशन शुरू किया, शाम को 5 बजे खत्म हुआ और आपके सामने ये भी बैठे हुए हैं सुरक्षित। और जबकि उन लोग के हिसाब से था कि 12 बजे के पहले शुभ मुहूर्त ही नहीं है, अगर उसके पहले होएगा तो कोई भी अनहोनी घटना घट सकती है, तो मेरे हिसाब से हमें अपना कर्मा करना चाहिए। ये इंसिडेंट मेरे साथ भी हुआ है। क्या हुआ था आपके साथ? मेरा लड़का बीमार हो गया था। अभी नहीं है वो, तभी एस्ट्रोलॉजिस्ट ने मुझे बोला था कि इसका 75 ईयर्स का उम्र है, कुछ नहीं होगा उसको और उसको आपको कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बट डायग्नोज हुआ कि वो कैंसर के सेकेंड स्टेज पे था और तभी डॉक्टर ने हमको बताया था कि ये नहीं बच सकता है। फिर जब एस्ट्रोलॉजिस्ट ने बोला कि ये ठीक हो सकता है बट हमारी थोड़ी विधि होगी, ऐसे करके हमारे से बहुत सारे पैसे लिए और बहुत सारी विधियाँ भी कराई। जैसे आपने कहा इतने बड़े लिखे डॉक्टर जो है उनके ऊपर भी हमने विश्वास करना चाहिए, तो ब्राह्मण ज्योतिषी एस्ट्रोलॉजर ये किसी के चाचा मामा ने नहीं बनाए, वो भी अपने गुरुकुल से डिग्रियां लेकर ही आते हैं और फिर ही वो किसी को भी मार्गदर्शक का काम करते हैं। मार्गदर्शक का काम कर सकते हैं, बट ये नहीं कह सकते कि ये जगह से तुम अगर ये करोगे तो तुम्हारा बच्चा बिल्कुल मैं वही बोल रहा हूँ। हर इंसान की कुंडली में जो आज ये समीर के बच्चे के ऊपर चीज आई हुई है, जो एक्सपर्ट ज्योतिष है उसको उसकी मृत्यु का समय 100% मालूम होना चाहिए। नहीं गलत बात है, जो ज्योतिषी है। भैया आप नहीं जानते तो हम क्या कर सकते हैं? आप आपका समय बता सकते हैं? एक मिनट प्लीज। नहीं नहीं गलत बात है सर, गलत बात है। नहीं बता सकती, अगर बता सकती सर आप सबसे पहले आप नहीं बताओ, आप सबसे पहले अपना मरण समय बताइए। आपका ये पूरा शो पूरा इंडिया देखेगा सर। तो क्या हुआ, तो क्या एस्ट्रोलॉजी बंद कराने वाले हो आप? एक मिनट गाइस अच्छा एक बात बताइए, आप लोग सब कौन कौन सोचता है डॉक्टर के पास जाना चाहिए हाथ ऊपर करें, कौन कौन सोचता है डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए पंडित जी की बात पूरी करनी चाहिए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 हाँ भाई क्यों? क्योंकि जहां साइंस खत्म होता है वहां से अध्यात्म शुरू होता है। मैंने 12 साल के अपने ज्योतिष के कैरियर में बहुत सारे डॉक्टर्स को, अंत में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जहां से मैं हूं वहाँ के भी जो सर्जन हैं जब वो ऑपरेशन करने जाते हैं तो पहले विश्वनाथ जी में माथा टेकते हैं कि प्रभु ये जो मैं कार्य कर रहा हूँ ये सही होना चाहिए। अगर साइंस में इतना ही ताकत होता तो आज कोई व्यक्ति मरता नहीं।
सिर्फ वहाँ पे मैं आपसे बिल्कुल असहमत हूँ, सिर्फ एक ही सुप्रीम यहाँ पर एक डॉक्टर है, डॉक्टर जरा हाथ ऊपर करिए। हाय। हेलो, आपका नाम? माय नेम इज शकुन सराफ, मैं अकोला महाराष्ट्र से हूँ। आप इनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं इनसे कहना चाहूंगा समीर के सिनेरियो में ही सेइंग कि अभी तक उसको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले, सो ही शुड बिलीव। अगर उन्होंने वैसा किया और अगर निगेटिव रिजल्ट मिले तो क्या आप जिम्मेदारी लेंगे? डॉक्टर जिम्मेदारी लेने के लिए सामने खड़ा है। कौन डॉक्टर जिम्मेदारी लेता है सर? उसके पहले साइन कराया जाता है, क्या बात कर रहे हैं? अरे बात कंप्लीट करने देंगे प्लीज। ऑपरेशन के पहले डॉक्टर साइन कराता है। ओके, एक मिनट, एक मिनट। ना एस्ट्रोलॉजी परफेक्ट है ना मेडिकल साइंस परफेक्ट है, तो कोई भी एक्सट्रीम पोजिशन पे जाके ये नहीं बोल सकता कि आप हमारी ही मानिए। हर किसी के लिए सेम सिचुएशन जरूरी नहीं है कि सही हो, किसी के लिए कुछ सही होता है, किसी के लिए कुछ सही होता है, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि एस्ट्रोलॉजी बड़ा है, ये तो सरासर गलत है। अच्छा सर, इन्होंने एक बहुत ही गहरी बात बोली थी कि एस्ट्रोलॉजी साइंस की वजह से ही मेडिकल साइंस शुरू हुआ, इसके बारे में कुछ कहना है? नहीं, मैं उसके लिए भी बोलना चाहूंगा कि अगर ऐसा रहता तो हर मेडिकल बुक में सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी पढ़ाते। सर उनको भी माइक दीजिए, वो भी डॉक्टर है। मैं डॉक्टर प्रकाश त्रिपाठी, हाँ, फ्रॉम बॉम्बे। बोलिए सर, आपकी क्या राय है? एस्ट्रोलॉजी अपनी जगह पे है, साइंस अपनी जगह पे है। अभी स्टीफन हॉकिंस जी 22 साल की एज में उसको ब्रेन का पूरे बॉडी का MS, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ब्रेन उसका सही था, बिल्कुल सही। यस, डॉक्टरों ने बोला था कि 3 साल से 5 साल लाइफ है, उसके बाद भी उसने 54 ईयर्स लाइफ दिया उसने। आपको आपको किसने बोला? ओके, इनको दे दीजिए न्यू आवाज। हाँ सर, आपका नाम? अमित ठक्कर, मुंबई। बोलिए सर। बेसिकली इनको पंडित जी की बात माननी चाहिए, इतना इनको फायदा हुआ है, आगे चल के भी कुछ समझ के पंडित जी ने बताया रहेगा इनको। अच्छा, अभी वो अगर अपना छोड़ देंगे और कल सुबह उठ के कुछ हो जाएगा तो उनको लगेगा कि किया नहीं। अभी हॉस्पिटल में है तो ट्रीटमेंट चालू है उनकी, तो दैट कैन प्रोलॉन्ग फॉर अनदर 25-30 डेज। उनको कंटिन्यू करना चाहिए जो कर रहे हैं वो, फिर बाद में जो अपना बॉन मेरो ऑपरेशन है वो वगैरह करे। ओके, और उस दौरान उसका बच्चा मर जाए तो? ट्रीटमेंट ऑलरेडी 15 दिन से उनकी ट्रीटमेंट चल रही है। वो ट्रीटमेंट चल रही है और जो डॉक्टर उसकी ट्रीटमेंट कर रहा है वही डॉक्टर अब बोल रहा है जल्दी से बोन मैरो चाहिए। तो आप सोचते हैं जल्दी से बोन मैरो चाहिए, लेकिन नहीं नहीं 15-20 दिन चला लो। जो मेडिकल सिस्टम अगर उनको अलाउ करता रहेगा तो ही हैज टू कंटिन्यू व्हाट ही इज डूइंग। ओके ओके, बिजनेस करते वक्त तो समीर अपने विश्वास पे अटल रहा, लेकिन फिलहाल बात बेटे की जान की। आइए देखते हैं ये क्या करता है, उसके बाद बात करेंगे। जिम्मेदारी का एहसास है कि नहीं? ऐसे वक्त पर कोई छोड़ के जाता है बिल्कुल? थैंक गॉड आप सही समय पे आ गए। समीर, ये मेरे अंकल है, ही इज एन ऑन्कोलॉजिस्ट। समीर, स्पेशलिस्ट के लिए ये ऑपरेशन बिल्कुल मुश्किल नहीं है, लेकिन ठीक होने में थोड़ा वक्त लग सकता है। वैसे भी ऋषि कम उम्र का है, 90% फुल रिकवरी होगी, डोंट वरी। Thank you.
पापा। आए मेरा बच्चा। थैंक यू पापा। आई लव यू। थैंक यू। चले बाय 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 बाय। साढ़े नौ बजे समीर तू फिर शुरू हो गया। ऋषि अब पूरी तरह ठीक हो चुका है तेरे एक सही फैसले की वजह से। अगर तू उस दिन बोलने और देने नहीं आता ना तो ऋषि होता ही नहीं। राघव सब कुछ इतना सिंपल नहीं होता। तुझे लगता है तेरे फोन कॉल की वजह से मैं आया था? मतलब उस दिन हेलो। हाँ समीर बेटा बोलो। पंडित जी मुझे व्रत तोड़ना पड़ेगा। तुझे ये पता है कि ऋषि के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद हम लोग उसके नाना के घर गए थे, पर तुझे ये नहीं पता कि ऋषि और रेखा को वहां छोड़ के मैं फिर से मंदिर गया और वहां पर मैंने अपना व्रत और जाप शुरुआत से शुरू किया। तेरा यह मानना है कि ऋषि बोन मैरो की वजह से ठीक हुआ, लेकिन मुझे यकीन है कि वो मेरे व्रत और जाप की वजह से ठीक हुआ। प्लैनेट्स और समय अपना खेल दिखाते हैं राघव। छोड़ना यार, तेरी मेरी बहस कभी खत्म नहीं होगी। तुझे जो सही लगता है तू कर, मुझे जो सही लगता है मैं करूंगा। गवर्नमेंट का एक और टेंडर निकला है ड्रेस मटेरियल्स के लिए। अब तू प्लीज मत कहना कि तू पंडित जी के पास जाएगा दोबारा। कैसे लगी हमारी एंडिंग? बहुत अच्छी। इतना सब कुछ होने के बाद, इतना सब देखने के बाद भी समीर को इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि उसका बच्चा जो है ज्योतिष विद्या की वजह से, पूजा पाठ की वजह से बच गया। ताकि फैक्ट ये है कि उनके पंडित जी ने भी उनको उस समय पूजा पाठ छोड़ के पहले अपने बच्चे के पास जाने के लिए बोला। ऑपरेशन होने के बाद जब बच्चा बच गया उसके बाद जो उसने पूजा पाठ पूरा किया वो पूरी अलग बात है, लेकिन अब उसको समझ आ जाना चाहिए था कि मैं नहीं जाता तो सिर्फ पूजा पाठ की बलबूते पर बच्चा बचता नहीं। हमारे जो शरीर है उसमें तीनों तत्व हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक, ठीक है? तो आप किसी भी एक तत्व पे नहीं रह सकते हैं। वही वहां भी हुआ है। डॉक्टर ने अपना मेडिसिन बताया लेकिन उसका जो विश्वास था वो मेंटेन रखा। और ज़िंदगी में याद रखिए, चाहे आप पढ़ाई करें, चाहे आप कोई भी अचीव, अगर गोल आपको अचीव करना है, बिगर विश्वास के नहीं होता है। चाहे आप डॉक्टर बने, चाहे आप इंजीनियर बने, चाहे आप एक्टर बने, उनका विश्वास गुरुजी पे था। उन्होंने पहले वहाँ पूछा फिर आए। तो यहाँ पे अल्टीमेटली विश्वास ही जीता है, बिलीव ही जीता है और वही हमेशा जीतता है। थैंक यू वेरी मच। जिंदगी में सुख भी होता है और दुख भी, और इंसान का नेचर है हर सुख या दुख के पीछे कोई ना कोई वजह ढूंढना। और जिस इंसान को जो वजह तसल्ली दे जाता है वही उसका विश्वास बन जाता है। इसलिए किसी के विश्वास को सही या गलत कहना ये शायद ठीक नहीं। किसी के लिए सूरज सोलर सिस्टम के सबसे पावरफुल ग्रह में से हैं, तो किसी के लिए भगवान। अब कौन सही है कौन गलत कौन जाने। यहां आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नई कहानी के साथ नए क्रॉसरोड्स पर
तब तक के लिए गुड नाइट, शब आखेर, शुभ रात्रि। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.